देखिए हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो अपने हार का जो है ना किसी और दल पे उसका फोड़े नहीं, लेकिन जिस तादाद में राष्ट्रीय जनता दल को लोगों ने वहाँ समर्थन दिया है वो हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत है। इंडिविजुअली हम लड़ सकते हैं वहाँ से, लेकिन तारापुर के लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जीत हमारी होगी वहाँ। अगर हम तारापुर से जीतते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी हार जनता दल यूनाइटेड के लिए होगी, एनडीए के लिए होगी। बिहार में दो सीटों पे उपचुनाव के परिणाम आ रहे थे और एक जगह से परिणाम आ चुका है। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी 12,000 वोटों से जीत गए हैं। लगातार आरजेडी ये दावा कर रही थी कि दोनों सीट हमारे पाले में है। बात करेंगे आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ है। सारिका जी, कुशेश्वर स्थान तो आप लोगों की हार हो गई। जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं हम लोग और जनता का मैंडेट जिसके भी पक्ष में गया उसे हम स्वीकार करते हैं बिल्कुल। लेकिन देखिए जो वोट आए इंडिविजुअली हम लड़े थे, कांग्रेस इंडिविजुअली लड़ी थी और जिस तादाद में वोट्स हमें मिले हैं तो उम्मीद जरूर है कि आने वाले टाइम के लिए जगी है और जब इसके बाद की जो चुनाव होगी, इलेक्शन होगी, तो निश्चित रूप से हम अगर इंडिविजुअली खड़े होते हैं तो हम मजबूत दावेदारी वहां पे अपनी दिखाएंगे। क्या कहीं ये तो नहीं नुकसान पहुंचा दिया कि कांग्रेस अलग लड़ी, फिर से लोक जनशक्ति रामविलास चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ी, कहीं ना कहीं यही दोनों तो आपके हार का कारण नहीं बन गए? देखिए हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो अपने हार का जो है ना किसी और दल पे उसका फोड़े नहीं, हम नहीं मानते हैं इस बात को। कांग्रेस कहीं भी हमारे लिए हारने में फैक्टर साबित नहीं रही। हमारा मुकाबला जो है वो जनता दल यूनाइटेड के साथ था, एनडीए के साथ था और कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है क्योंकि पिछले जो प्रत्याशी थे वो भी राष्ट्र जनता दल यूनाइटेड से थे और उनको एक सिंपैथी वोट जरूर है कि गई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जरूर है कि बहुत थी जनता दल यूनाइटेड को ले करके। तो अंत टाइम में कहते हैं ना लोगों का एक हृदय परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति वोट गई है उनको। लेकिन जिस तादाद में राष्ट्रीय जनता दल को लोगों ने वहाँ समर्थन दिया है वो हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत है। इंडिविजुअली हम लड़ सकते हैं वहाँ से और अपनी मजबूत दावेदारी साबित करेंगे। तारापुर में भी मार्जिन जो है वो अगर बात कर लूँ 11-12 राउंड तक तो काफ़ी ज़्यादा लीड पे थे, 4,000 के आसपास लीड पे थे अरुण शाह, अब मार्जिन घट के 1500 पे आ गया। हार का संकेत यहाँ भी दिख रहा है। देखिए देर हो रहा है और ये देर जो होता है ना ये सत्ता पक्ष वाले लोग ना ये जानबूझ करके करते हैं। पिछले बार भी आपको याद होगा कि काउंटिंग जो है वो बहुत स्लो हुई थी, देर रात तक पहुंच गई थी, एक सुबह से देर रात तक पहुंची थी और अब जिस स्पीड से वहाँ पे काउंटिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं सब और सुबह पैदा कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके हमारे प्रत्याशी जो हैं लगातार वो स्टेबल है, कहीं भी वो नीचे नहीं हुए हैं, वो 3,000-4,000 वोटों से हमेशा हर जगह बढ़त है और अभी कई ऐसे जो हैं बॉक्सेस खुलने बाकी हैं जहाँ पे कि हमारे पक्ष में यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। तो जब उन पंचायतों की वोटिंग काउंट स्टार्ट होगी तो हम इस मार्जिन को कहीं आगे जा करके पहुंचाएंगे। अभी भी आपको उम्मीद है कि तारापुर में आपकी जीत होगी क्योंकि मार्जिन बहुत कम हो चुका है? बिल्कुल निश्चित रूप से हमें उम्मीद ही है, नहीं हमें बिल्कुल यकीन है इस बात का, क्योंकि देखिए जिस दिन वोट होता है उस दिन भी एक समीकरण जरूर है कि कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता है, एक गणित जो होती है वो लोग गिन लेते हैं। तो इतनी हमें उम्मीद तो नहीं थी कुशेश्वर स्थान से, लेकिन चलिए ठीक है जो भी है वो सराखों पे है। लेकिन तारापुर के लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जीत हमारी होगी वहाँ। जेडीयू कह रही है कि दोनों सीट हमारी है, कुशेश्वर विजय हो गया है, अब तारापुर की बारी है। देखिए जेडीयू जो भी कहे, ये दोनों सीटें जो है ना जनता दल यूनाइटेड की ही थी, हम एक सीट भी जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो कहते हैं विजय होना अगर तारापुर कुशेश्वर का चूंकि रिजल्ट आ गया है, लेकिन अगर हम तारापुर से जीतते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी हार जनता दल यूनाइटेड के लिए होगी, एनडीए के लिए होगी। तो ये थी सारिका पासवान जिन्होंने कहा है कि कुशेश्वर स्थान की जीत जेडीयू को मुबारक हो, हालांकि जनता ने जिस तरीके से हमें वहाँ पे प्यार दिया और मैंडेट दिया कहीं ना कहीं वहाँ भी जीत हमारी है, वहीं तारापुर के लिए अभी भी परिणाम आने बाकी। अब देखने वाली बात है कि तारापुर से कौन विजय हासिल करता है। बने रहेगा लाइव बिहार के साथ, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।